नमस्कार साथियों, टुडे टॉक पर मैं महावीर सर आपका पुनः स्वागत करता हूं। राजस्थान वन रक्षक वनपाल भर्ती को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। काफी बच्चे परेशान हैं इस बात को लेकर कि कुछ लोग कह रहे हैं कि राजस्थान वन रक्षक वनपाल की भर्ती में ओबीसी की सीट ही नहीं है, तो तैयारी करके अपना टाइम बर्बाद मत करो, ओबीसी वालों का सिलेक्शन ही नहीं होगा। कुछ इस तरह के कमेंट मैंने भी दो चार देखे हैं और आप लोगों ने भी कल जो हमारी दोरा क्लासेस पर लाइव क्लास हो रही थी उसमें कमेंट भी किया है कि सर आप बताओ ओबीसी वाला क्या माजरा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे कि वन रक्षक वनपाल भर्ती में ओबीसी की कितनी सीटें हैं, है या नहीं है, तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा जो भी बच्चा ये क्लास देख रहा है, दोरा क्लासेस पर हम आपको निरंतर वन रक्षक वनपाल के लिए फ्री में दैनिक विज्ञान, राजस्थान जीके, इंडिया जीके और जल्दी मैथ्स की क्लास शुरू करने वाले हैं, यानी शुरू कर दी है। मैथ्स की तो अभी स्टार्ट हो जाएगी और दैनिक विज्ञान के, राजस्थान जीके के और इंडिया जीके के पांच पांच छह छह वीडियो सेशन हमने करवा दिए हैं। शाम को 6 बजे दैनिक विज्ञान की क्लास होती है, 8 बजे राजस्थान जीके की, 10 बजे इंडिया जीके की क्लास होती है और जो स्पेशल क्लासेस है वो भी हम आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। सब फ्री में चल रहा है, तो धोरा क्लासेस पर आपने अब तक विजिट नहीं किया है तो जरूर कर लेना, डेफिनेटली आपका एग्जाम में फायदा होने वाला है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आज का जो टॉपिक है कि ओबीसी वालों का क्या मामला है इसको लेकर। देखिए यहां पर आप देख सकते हो कि यह संशोधित विज्ञप्ति है और यह संशोधित विज्ञप्ति किसकी है आप सबको पता है, वन रक्षक वनपाल की है। और यह कब जारी हुई थी पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। यह आपकी जारी हुई थी 11/3/2022 को, जब आपके फॉरम रीओपन किए गए थे, जब फॉरम आपके क्या हुए थे, रीओपन हुए थे, ठीक है, वनपाल वन रक्षक सीधी भर्ती 2020 वाली, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, आगे सीधा हम आते हैं जो पदों का विवरण है उसको लेकर। देखिए पदों के विवरण में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि ओबीसी के अंदर जो पद है ये तो हो गए सामान्य के, इसके बाद में अनुसूचित जाति के, वनपाल की हम बात कर रहे हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के और अन्य पिछड़ा वर्ग के, यहां पर आपको क्या है 000 मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो ये किसके पद है, ये पद है वनपाल के 79, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं और इसके बाद में अनुसूचित क्षेत्र के बाकी 20 पद है, टोटल कितने हैं 99 पद है, ठीक है। अब यहां पर ये बात ठीक है कि वनपाल के लिए यहां पर ओबीसी की पोस्ट नहीं है, तो जिन लोगों ने ओबीसी से फॉर्म भरा उनको किसमें रखा जाएगा, उनको जनरल में रखा जाएगा। वैसे भी आपको पता है ओबीसी की और जनरल की जो कट ऑफ है वो इक्वल रहती है और अच्छी वाली कट ऑफ रहती है, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मन लगाकर बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपके लिए ओबीसी कैटेगरी जो है वो दिक्कत नहीं करेगी। यहां पर सीटें वैसे भी आपको पता है टोटल कितनी है, 99 है, तो कंपटीशन इसमें भी रहने वाला है, बट यहां पर सीटें होनी चाहिए नहीं है, तो ये पदों का विवरण जो होता है ये पहले से निर्धारित नियमों के तहत होता है, ठीक है, जहां तक मुझे पता है, तो यहां नहीं दी गई है। बाकी यहां पर विशेष योग्यजनों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए दी गई है। अब हम बात करते हैं आगे वनपाल अनुसूचित क्षेत्र की, तो देखिए अनुसूचित क्षेत्र में 20 पोस्ट है, मैंने आपको बता दिया, और यहां पर तो ओबीसी की कोई सीट होती नहीं है। इसके बाद में यहां पर बात करें तो यहां पर देखिए वन रक्षक की हम बात करने वाले हैं, तो ऊपर ले लेता हूं, आई थिंक आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, मैं फिर भी आपको बोलकर भी बताता जाऊंगा साथ में ताकि आप समझ सको। देखिए यहां पर मैं अगर बात करूं तो यहां पर सामान्य की कुल कितनी सीटें हैं, सामान्य की देखिए यहां पर 598, 170, फिर 67 और फिर 17, तो ये अलग अलग कैटेगरी है, सामान्य में सामान्य, फिर सामान्य महिला, फिर विधवा और फिर परित्यक्ता। टोटल कितनी पोस्ट है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर टोटल 1821 पद है, बहुत अच्छे पद है, ठीक है। इसके बाद सीधा हम आ जाते हैं ओबीसी पर, तो ओबीसी की देखिए 122 तो सामान्य है, फिर 36 यहां पर महिलाओं की है, 13 यहां पर विधवा महिलाओं की है और 4 यहां पर परित्यक्ता महिलाओं की है। तो यहां पर मैं अगर टोटल करूं तो यहां पर आप देखिए 122 पोस्ट है सामान्य की, फिर 36 है महिलाओं की, फिर 13 पोस्ट है विधवा की और फिर 4 पोस्ट है परित्यक्ता की। टोटल कितनी होगी, 8 और 3 11 और 4 15 और यहां पर 3 और 3 6 1 7 और यहां पर 175, कितनी होगी 175 पोस्ट आपको यहां पर दिखाई गई है, किसकी, ये पोस्ट आपको दिखाई गई है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की। तो भाई बताओ अब कहां पर सवाल खड़ा हो रहा है, ये पोस्ट आपके लिए सेपरेट इसके अंदर रखी गई है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर पोस्ट ही नहीं है, ओबीसी की पोस्ट ही नहीं है, तो यहां पर ये मैंने आपको दिखा दिया है पूरा जो नोटिफिकेशन है वो दिखा दिया है। अब जो बच्चे मेहनत करेंगे वो सिलेक्शन ले लेंगे और जो बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करेंगे वो तो जनरल से भी सिलेक्शन ले लेंगे, तो चिंता वाली क्या बात होगी ये बताओ। सब कुछ ठीक है, एकदम बढ़िया है और दोहरा क्लासेस पर निरंतर हम आपको तैयारी करवा रहे हैं और एग्जाम तक आपके साथ में बने रहेंगे, हमारी तरफ से 200% कोशिश चल रही है
और लगातार हम आपको क्लासेस देख रहे हैं। एक बार जरूर आप धोरा क्लासेस चैनल पर विजिट करें, वीडियो का लिंक आपको यहां पर दिखाई देगा इस वीडियो के एंड में, वहां पर क्लिक करते ही आप सीधा धोरा क्लासेस पर पहुंच जाओगे और वहां से आसानी से आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट भी बना रखी है वनरक्षक वनपाल दैनिक विज्ञान, वनरक्षक वनपाल राजस्थान जी के, वनरक्षक वनपाल इंडिया जी के। और मैथ्स की क्लासेस देखो, आज ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तब तो आप सबको पता है, अगर आप काफी टाइम बाद में देख रहे हो तो वो भी मैथ्स की क्लासेस भी वहां पर आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। ये सब क्लासेस आपको फ्री आपको करवा रहे हैं और धोरा क्लासेस राजस्थान का पहला और एकमात्र ऐसा चैनल है जो इस प्रकार से फ्री में आपको वर्तमान में अच्छी तैयारी करवा रहा है। तो जरूर आप एक बार चेकआउट कीजिए, डेफिनेटली आपका भला होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम सा।